नमस्कार दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं समय जयपुर से होके हुए पुष्कर, अब जा रहे हैं। तो ये रहा पुष्कर का शहर, हम लोग मेन ब्रह्मा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बस ये हम लोग बस ब्रह्मा मंदिर से कुछ ही दूरी पे, 1.5 किलोमीटर पे हमने ये लिया है रूम अपने लिए। बहुत ही देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी चारों तरफ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। यहाँ पे व्यू आ रहा है, गार्डन व्यू थोड़ा दिया है, जंगल लुक मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। आगे चलते हैं अब। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अब मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देख सकते हैं कांवड़ लेके कितने लोग जा रहे हैं अंदर, कलश यात्रा कर रहे हैं। तो ये पूरा परिसर है बाहर का, बाजार कह सकते हैं पूरा। इधर यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में दुकानें हैं। तो बस हम लोग बस अंदर आ ही गए लगभग, उसके पहले हम थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं। तो इसके बारे में बताऊँ तो ये टेम्पल जो है वो ब्रह्मा जी ने खुद ही चूज़ किया था कि यहाँ पे ये मंदिर बनेगा, और विश्वामित्र के द्वारा बनवाया गया है ब्रह्मा जी के यज्ञ के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये शिवलिंग भी है यहाँ पे। तो आइए दर्शन करते हैं अब। ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, इसमें बोला गया बिना पत्नी धार्मिक यज्ञ नहीं होता। दूसरा समय निकला तो 100 साल बाद में आएगा, पत्नी ब्रह्मलोक में रहती थी। ब्रह्मा जी ने क्या करा, नारद जी को भेज दिया। नारद जी काम होता है इधर उधर करना, इनको बोल के आगे आराम से आना, लक्ष्मी काली जी के अंदर विराजमान है। और इधर आके बोला रुझा रहा है। तो ब्रह्मा जी के गुरु को अपना एक ग्वालियर में जाके क्या गाय चलने वाले, इनको मंत्र उच्चार से हरी घास बनाते हैं। 3 बार प्रॉब्लम गायत्री मुख से निकालते हैं, जिनका नाम पड़ता है गायत्री। गाय का गाय 3 बार निकाला गायत्री मुख से, यानी गाय प्लस गायत्री, जो आप गायत्री मंत्र जानते हो ना, उसके से बनाया। ब्रह्मा जी ने आहुति लगाई ओम स्वा, पहला पत्नी सावित्री माता के कानों में गया। सावित्री माता जी आती है ब्रह्मा के साथ, दूसरा पत्नी देखकर नारद जी के भगवान ब्रह्मा जी को दो शिष्य नाम मिला कि ब्रह्मदेव आपने मेरे को। तो पुष्कर के बारे में कहा गया है कि ये विश्वकर्मा ने ब्रह्मा यज्ञ किया था, उसके बाद बनवाया है। और ये ब्रह्मा जी ने खुद ही मंदिर को यहाँ पे, इस जगह को चूज़ किया था कि यहीं पे मंदिर बनेगा। तो ये इधर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा आ रहा है। 8th सेंचुरी में हिंदू फिलासफर थे आदि शंकराचार्य, इन्होंने मंदिर का रिनोवेट करवाया था। तो ये इधर का देखिए भैया नज़ारा, इधर पूरा परिसर है ये। इधर की तरफ मेन मंदिर अभी हम चलेंगे, इधर के देख सकते हैं ये कुंड देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर जगह का नाम बताए तो ये गनाहेरा पुष्कर में है। और इधर ये पूरा है, यहाँ पे पूरा परिसर है इधर की तरफ। और टाइमिंग यहाँ की 6 बजे सुबह से और 8 बजे शाम को डेली है। डिस्ट्रिक्ट अजमेर में पड़ता है। कंप्लीट किया गया 14th सेंचुरी जो अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। तो एकमात्र मंदिर यहाँ पे ब्रह्मा जी का आपको पता ही होगा, और मार्बल और स्टोन से ये बना हुआ है। कथा के बारे में बताओ तो हिंदू स्कप्चर पद्म पुराण के द्वारा मुताबिक ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ पे एक राक्षस था व्रजनाभा, जो उनके बच्चों और लोगों को मारना चाहता था, परेशान कर रहा था। तो उन्होंने तुरंत ही अपना जो हथियार था वो फेंका उसके ऊपर, जो लोटस फ्लावर था उसके प्रोसेस में, जो उनके पंखुड़ियाँ थी लोटस की, वो 3 जगह पुष्कर लेक, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर में गिर गई। तो ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे यज्ञ करते हैं मेन पुष्कर लेक में,
यज्ञ के दौरान उनकी सरस्वती प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पे, तो उस समय ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी से विवाह कर लिया ताकि इस यज्ञ को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। तो ये देख सकते हैं बाहर का पूरा व्यू। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।